हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं और कंचन आए थे बाज़ार में, क्योंकि मैंने तीज का कुछ दिया नहीं था इनको, लड़कियों को। तो नेहा की वेट कर रही थी, नेहा आएगी, नीलम आएगी, तो तीनों को इकट्ठा दूँगी। तो वो आ नहीं रही, उसका आना हो गया कैंसल। वो आएगी अगले, अभी नहीं आएगी, अगले महीने आएगी। तो मैंने सोचा चलो दोनों को, सावन ख़त्म हो रहा है, दोनों को तो मैं दे ही देती हूँ, रखड़ी बांधने आएगी तो साथ के साथ ही दे दूँगी। मैं आई थी कंचन के साथ, क्योंकि कंचन है ना जो मीठा नहीं खाती, मैं उसके लिए तो लिया वो मठियाँ वगैरह लिए, मठियाँ और क्या होते मटर, नमकीन नमकीन लिया। तो इधर से हमने एक मिठाई का डिब्बा लेना था, क्योंकि कंचन ने रखड़ी बांधनी है नन्नू के, तो नन्नू के रखड़ी बांधने आना था कल। तो उधर से हमने मिठाई ले ली और नमकीन ले लिया। मैं जा रही थी रखड़ियाँ देखने के लिए, रखड़ियाँ तो बांधने धागे जो होते हैं, तो फिर वो मैंने ना कर दी कि रहने दे, कंचन घर पे धागे हैं आए हुए हैं, नीलम के भी आए हैं, वो भी बांधने हैं, वो ही बांध देना। तो कहती ठीक है, फिर कहती मैं चलो रखड़ी तो लेनी नहीं है, तो मैं बनवा लेती हूँ एक ड्राई फ्रूट का डब्बा, जो मिक्स होता है ड्राई फ्रूट होता है, उसका डब्बा ले लेती हूँ। मिठाई थी जो आधा किलो लिया था, मैंने बोल दिया था इसको कि मीठा मैं कोई खाता तो है नहीं, मीठा मैं भी नहीं खाती, अनन नहीं खाता, थोड़ा सा थोड़ा बहुत खाता है, ज़्यादा तो खाता ही नहीं है, ना ही कंचन कोई खाती है, कोई भी मीठा नहीं खाता। तो फिर इसने एक चॉकलेट दिलवाई, प्रियांश खा लेगा, मैं क्या चॉकलेट, थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट दिलवाया, उसमें एक डिब्बा जो सजावट काला वाला वो पैक करवाया, वो हमारे राशन वाली दुकान पे करते हैं, उधर से करवाया। तो उन्होंने ये काम भी शुरू करा है, राशन का भी काम करते हैं, और तीज के दिन ये रखड़ी के दिन पैकिंग भी कर करके बेचते हैं ऐसे। तो कहते मैं राशन की दुकान से ही लेती हूँ। भाई ये है लड़का जो करते हैं पैकिंग का काम, वो कर रहे थे, उधर से आना था मुस्कान ने, दोनों इकट्ठे ही आएंगी, मुस्कान और कंचन। पहले मुस्कान जाएगी कंचन के घर, उसके बाद आएगी इधर, क्योंकि नन्नू जाता है काम पे, नन्नू को छुट्टी नहीं मिली थी। तो मैंने बोल दिया तू पहले कंचन के घर चले जाना, प्रियांश के रखड़ी बांध देना, क्योंकि वो शुरू से ही ये लड़कियां नीले में चाहे मुस्कान है वे कंचन के रखड़ी बांधती थी शुरू से ही। तो पहले उसके घर में भेज दिया, मैं कहा चल उधर चले जाना तू, और बाद में आ जाना उधर रखड़ी बांध के। नन्नू आएगा 4 बजे, क्योंकि आज ट्यूशन की है छुट्टी उसकी, जो कंप्यूटर सेंटर जाता है आज उसकी छुट्टी है, तो सीधा 4 बजे घर आएगा। कोशिश करी थी भी छुट्टी मिल जाए, पर उसको छुट्टी नहीं मिली। लो जी पैकिंग कर दी तैयार, हम जा रहे थे, हमें वो जानते हैं तो इसलिए हंस रहे थे। जब हम वापस आए तो प्रियांश ने पूरी चद्दर चुद्दर बिछा के ऐन कमरा रेडी कर रखा था। कंचन तो आते लेट गई, थक गई, क्योंकि थोड़ा और भी सामान समू लेना था। दिन में भी हम मार्केट गए थे और शाम को भी सब्जी सब्जी मैं बना के गई थी, आटा गूंद के गई थी, मैं कहते तू रोटी बना लेना, कहते ठीक है। और प्रियांश बिल्कुल भी नहीं गंद डालता कमरे में, इधर को तो बस इस ऐसा ही गंदगी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस घर सजा के रखता प्रियांश पूरा। अब कहता मैं चादर अच्छी तरह बिछा दी है, देखो सराहने सरुने इसने बिल्कुल सेट कर दिए, इतना अच्छा बना के रखा, ये देखो कैसे कर, देखो जी कैसा लगा आपको। लो जी मैं जा रही हूँ बिस्कुट बनवाने के लिए, अभी मेरे सिर धोया, सामान रेडी कर लिया, आटा और चीनी, दूध अभी लेना है, राशन वाला डिब्बा मैंने खाली करा, स्टील का डिब्बे है मेरे राशन के, वो मैंने खाली करा। जब भी मैं मुस्कान को बिस्कुट डाल के देती हूँ पीपा, वो पीपा ही रख लेते हैं। तो इस बार मैंने सोचा इसको ये राशन वाला डिब्बा ही करती हूँ, बाद में इसको आधा छोटे डिब्बे में डाल दूँगी, आधे दे दूँगी। 2 किलो आटे के बनवा रही थी, आधे नन्नू के लिए रख दूँगी।
नीलम आएगी तो उसके तो ऐट अ टाइम ही बनवाने पड़ेंगे। तो मैं लगी थी सामान सुमन काम में करूँगी बाद में आके, तो मैं जा रही थी बिस्कुट बनवाने के लिए। सामान मेरा रेडी हो गया, दूध था जो मैं रस्ते में लूँगी, 1 किलो दूध डलता है, 1 किलो घी देसी और 1.25 किलो चीनी जो बारीक चीनी होती है, और 2 किलो आटे में। तो मैं अखबार भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, रेडी कर दिया सामान मेरा। और नन्नू चला गया था काम पे, वो पहले तो बोल रहा था मम्मी मैं लेके चलूँगा तेरे को, उसको ऐट अ टाइम काम पे बुला लिया। तो लो जी मैं पहुँच गई हूँ बेकरी पे जहाँ बिस्कुट बनते हैं। तो बिस्कुट बना के रखे, तो ये देखो बिस्कुट भाई तैयार कर रहा है बना के। ऐसे बिस्कुट बनाते हैं मशीन के, पहला कढ़ाई में पूरा आटा घी चीनी डाल के थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, और पूरा आटा घोल के रेडी कर लेते हैं घोल इसको, फिर मशीन में डाल के बिस्कुट बनाते हैं, बिस्कुट निकालते हैं। तो मैं देखती रही, बैठी बैठी देखती रही, सुबह 8 बजे चली गई थी मैं। लो जी ऐसे बिस्कुट बना बना के ट्रे में रखते हैं, जैसे ये निकाल रहा ऐसे चक्कर सा घुमाते रहते हैं और बिस्कुट बन के रेडी हो जाते हैं। उसको फिर वो लगाते हैं हीट। अब मेरे बैठे बैठे ये सब डब रोटी जो बनाई हुई है तैयार करी मेरे सामने। तो लो जी मेरे बिस्कुट बन के रेडी हो गए हैं, मैंने डाल लिए उसमें स्टील के डिब्बे में, तो आधे आधे बांट लेंगे। तो लो जी ये हम पहुंच गए हैं समोसे लेने के लिए, कंचन और मैं, क्योंकि मुस्कान ने आना था तो कंचन कह रही समोसे ले लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि सवेरे नाश्ता भी नहीं बनाया था, मैं जल्दी चली गई थी। तो ये आ गई थी मेरे पीछे कंचन मेरे को लेने के लिए, तो मैं ये हम लोग समोसे लेने लगे थे दुकान पे, इधर से समोसे लेते हैं हम, 2 नंबर मशहूर है मौके का, ये पूरा बाजार है 2 नंबर है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा मिठाई समोसे वगैरह पकौड़े वगैरह मिलते हैं। छोले राम मूर्ति। हाँ, तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हम छोटे छोटे थे, हम तब से यहाँ के छोले कुलचे खाते हैं, तो आज हम यहीं के स्पेशल छोले कुलचे लेने आए हैं। हो गए पैक, सारा कुछ पवा ली, इतने खान का बड़ा नजारा आता जी। हमने ले लिए कुलचे छोले, सबको इतने पसंद है इधर के कुलचे छोले, आपको अपने कंचन ने आपको बताई थी या होगा, बहुत पुराने सालों से इनके कुलचे छोले बिकती हैं, जब छोटे छोटे थे बच्चे, बहुत ज़्यादा मशहूर है, देखने में तो कुछ भी नहीं है तो, पर ये इनके कुलचे छोले बहुत ज़्यादा मशहूर है। लो जी हम आगे गीता भवन, गीता भवन का गोल गोल चक्कर है ये पूरा गीता भवन है, तो उधर दुकानें लगने लग गई हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है तो मेला लगता है, ये है गीता भवन का चौक, गीता भवन चौक नहीं गीता भवन है, ये बाबे की उधर बनी हुई है खेत्रपाल बाबे का मंदिर। तो आगे आएगी हमारी धर्मशाला, ये देखो ये मंदिर है गीता भवन मंदिर, जिसको मंदिर कहते हैं ना वो है गीता भवन मंदिर। तो कंचन ने स्लो कर ली थी, वैसे तो हम स्कूटरी पे थे, तो कंचन करे तो मम्मी वीडियो बना ले। तो ये है धर्मशाला, चिंतपूर्णी माता चिंतपूर्णी धर्मशाला, मोगा में बनी हुई है, बहुत बड़ी बनी हुई है। आज तो नबी भी आया, आया है जय माता जय माता जय माता, जिंदे रहो, आए आए लड्डू, अच्छा कड़ी लेके आया, मुस्कान भी आ गई है और कुलचे छोले जो लेके आई थी ये खा रहे थे कुलचे छोले, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी हमने करा नहीं था, तो मैं कहा अभी कुलचे छोले खा लो, समोसे लेके आई थी कंजर कहती समोसे मैं उधर ले जाऊंगी अपने घर, इधर हम कुलचे छोले खा लेते हैं, बाद में
समोसे खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, प्रियांश मेरे पास ही रुका था, तो उसके बाद मैं और प्रियांश दोनों हम गए कंचन के घर, रखड़ी बंधवानी थी प्रियांश ने। प्रियांश कैसी वैसी चीज़ें खाता नहीं है, सिर्फ घर की रोटी खाता है। उसको मैंने घर की रोटी दी बना के। लो जी, अभी मुस्कान है कंचन के घर, कपड़े कर दिए गुड़िया के चेंज, इसने लगा रही थी काला टिक्का भी नज़र ना लग जाए, जो कंचन ने दिए थे वही उसके डाल पा दिए, कहती पा के डाल के देखते हैं इसके कपड़े अच्छे लगेंगे। तो लो जी, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो का एंड कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो करो वीडियो को मेरी को, और कमेंट अच्छे अच्छे करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करो, लाइक करना, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।